ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी को एक बहुत सुंदर लक्ष्य है अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना। विभिन्न परिस्थितियां सामने आती हैं, भिन्न भिन्न तरह के कमेंट्स लोगों के द्वारा सुनने भी पड़ते हैं, अपने भी परायों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, कुछ गलत फहमियों से भी इधर उधर की बातें होने लगती हैं, लेकिन हमें अपनी स्थिति को अचल डोल तो बनाना ही है। उसके लिए आत्मा की स्मृति, बाबा की स्मृति और इस विश्व ड्रामा की स्मृति हमें बहुत मदद करती है। आत्मिक स्मृति से हमें स्वयं में विश्वास बढ़ता है। हम कौन हैं, क्या हैं, हमारी शक्तियां क्या हैं, हमें अपनी सत्यता की शक्ति में संपूर्ण विश्वास रहता है। और तब यदि हमें कोई कुछ बोले भी तो हम सत्यता की शक्ति के कारण अचल अडोल रहते हैं। बाबा की स्मृति, जब कोई चिंता वाली बात, जब कोई बहुत भयानक परिणाम देने वाली बात सामने आ जाती है तो बाबा की स्मृति हमें अचल अडोल बनाने में बहुत सहायक होती है। केवल बाबा को याद करने की बात नहीं, भगवान मेरा है, वो मेरे साथ है, उसके साथ होने के बाद प्रकृति भी मुझे सम्मान देगी तो मनुष्यों की तो बात ही क्या, परिस्थितियां पे ही हट जाएंगी। बाबा की याद है तो बाबा की शक्तियां हमारे साथ काम करती हैं। हम अपनी चिंताओं और समस्याओं को उन पर समर्पित करके अचल अडोल स्थिति को बना पाते हैं। और तीसरी चीज है, हमें दाना का संपूर्ण ज्ञान, उसकी स्मृति, उसमें भी विशेष रूप से जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है जो कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। जरा बाबा की ओर देखें, बाबा जब इस संसार के हर सीन को देखता है तो उसे नेचुरल याद रहता है, ये वही हो रहा है जो पिछले कल्प में भी हुआ था, जो बारंबार हुआ है, ये वही हो रहा है जो होना है, नथिंग न्यू। इसलिए उसके अंदर साक्षी भाव रहता है। हम भी ड्रामा के ज्ञान की स्मृति के द्वारा अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाएंगे। और यदि किसी माया के प्रभाव से स्थिति डोलायमान होती है, किसी वासना के कारण संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं, तो भी हम याद रखेंगे मैं आत्मा पवित्र हूँ, बाबा ने मुझे माया को जीतने के लिए सारी शक्तियां दी हैं और इस ड्रामा में मेरी विजय निश्चित है। ये तीनों बात याद रखने से माया के किसी भी प्रभाव को हम सहज ही समाप्त कर पाएंगे। तो ड्रामा की कुछ पॉइंट्स अपने पास निकाल कर रख लिया करें, जिनकी स्मृति हमें अचल अडोल बनाती है, क्योंकि अचल अडोल स्थिति परमावश्यक है। संसार में खूनी नाहक खेल होने जा रहा है, वो खेल होगा जिसे हम देख भी नहीं पाएंगे, वो खेल होगा जिसे याद करने से भी मन घबराहट से भर जाएगा। सब कुछ समाप्त होना है। प्रकृति प्रकृति प्रकोप करके इस धरती को स्वच्छ करने वाली है, तो हम पहले से ही ड्रामा की स्मृतियों के द्वारा अपने में साक्षी भाव ले आए। तो आज हम इस सारे खेल को साक्षी होकर देखेंगे और अभ्यास करते रहेंगे।
बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। बहुत बड़ी चीज है ये, हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं। और ऊपर से देखेंगे बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।